सीआईडी देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक रहा, जिसने न सिर्फ लोगों का मनोरंजन किया बल्कि कई लोगों को इंस्पायर किया। सीआईडी का पहला एपिसोड 21 जनवरी 1998 को तो वहीं आखिरी एपिसोड 27 अक्टूबर 1918 को टेलीकास्ट हुआ था। शो के हर किरदार को लोगों का बहुत प्यार मिला, यहां तक कि शो में काम करने वाले कलाकारों को आज भी उनके किरदारों के नाम से ही जाना जाता है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे अद्भुत सफर पर जिसमें हम जानेंगे सीआईडी के उन एक्टर्स के रियल लाइफ के बारे में जिन्होंने टीवी पर तो कई राज्य खोले लेकिन उनके अपने जीवन के राज्य कम ही लोग जानते हैं। हमारी इस कहानी में सबसे पहले नंबर 18 पर बात करते हैं, शमशेर सिंह के बारे में। दोस्तों, ब्रिजपाल सिंह, जिन्हें बीपी सिंह के नाम से जाना जाता है, यह एक इंडियन टेलीविजन प्रोड्यूसर रहे जिन्होंने कई टीवी सीरियल प्रोड्यूस किए जिनमें से एक सीआईडी भी रहा। सीआईडी के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होने के अलावा इन्होंने इस सीरियल में डीसीपी शमशेर सिंह चित्रोदा किरदार भी निभाया था और वह रियल लाइफ में 2 बार शादी कर चुके हैं। इनकी दूस शादी साल 2016 में रेणु सिंह से हुई थी। आपको बता दें कि साल 2017 में इनके बड़े बेटे सलील सिंह की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। नंबर 17, विकास कुमार, साल 1998 से इंस्पेक्टर विकास का किरदार निभाने वाले एक्टर का रियल लाइफ में नाम भी विकास ही है। यह एक्टर होने के साथ साथ कई बॉलीवुड एक्टर्स के डायलॉग कोच भी रह चुके हैं। इन्होंने रियल लाइफ में रावी सैगल से शादी की जिनसे इनकी एक बेटी रबानी है। नंबर 16, ताशा कुमार, सीआईडी सीरियल में इंस्पेक्टर ताशा का किरदार वैष्णवी ने बखूबी निभाया। इन्होंने इस शो में सारे स्टंट भी खुद किए थे। दरअसल इन्होंने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। वैष्णवी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2012 में इन्होंने एक्टर नितिन सहरावत से शादी की थी। इससे पहले दोनों करीब 1 साल तक प्यार में रहे। दोनों की मुलाकात कितनी मोहब्बत है सीजन 2 के सेट पर हुई और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश भी थे, लेकिन फिर अचानक साल 2015 में दोनों ने तलाक ले ली। नंबर 15, तान्या ब्रल, इन्होंने 2007 में चक दे इंडिया में बलबीर कौर का किरदार निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद वह कई फिल्म और टीवी शोज में नजर आई। तानिया ने 2014 से 2016 तक सीआईडी में इंस्पेक्टर जयवंती शिंदे का किरदार निभाया था। इनकी रियल लाइफ फैमिली की बात करें तो इनके पिता का नाम रामकृष्ण ब्रल और माँ का नाम सरिता अब्रॉल है। इनके 2 भाई पारुल और नितिन अब्रॉल भी हैं। आपको बता दें कि तानिया की शादी साल 2023 में आशीष वर्मा के साथ हुई है। नंबर 14, विवेक मसर ने सीआईडी में बतौर सब इंस्पेक्टर विवेक का किरदार निभाना साल 2006 में शुरू किया था और 6 साल तक पर्दे पर इसी रोल में दर्शकों का बहुत एंटरटेन किया, लेकिन इन्होंने अब एक्टिंग से ब्रेक ले लिया है और वह अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर में हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। विवेक ने रियल लाइफ में साल 2018 में शादी की थी। हालांकि इनकी वाइफ का नाम क्या है और वह क्या करती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पनल लाइक को काफी प्राइवेट रखा है। आपको बता दें कि विवेक इस समय बेंगलोर में सीएमआर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। नंबर 13, श्रेया, सीआईडी में श्रेया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस का रियल लाइफ में नाम जान भी छेड़ा है। इनका जन्म 1984 में मुंबई में हुआ और इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू साल 707 में चुना है। आसमान सीरियल से किया श्रेया ने साल 2018 में सीआईडी के आखिरी 2 एपिसोड में काम किया। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। अगर इनकी रियल लाइफ की बात करें तो इन्होंने निशांत गोपालिया से शादी की है जो कि एक बिजनेसमैन है। नंबर 12, जसवीर कौर, सीआईडी में कुछ ऐसे किरदार भी रहे जो भले ही कम समय तक इस सीरियल का हिस्सा रहे हों लेकिन वह दर्शकों के बीच अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रहे, और उन्हीं किरदारों में से एक है काजल का कैरेक्टर, जो कि जास वीडियो एक्ट्रेस है जो 2000 से ही फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रही है। इन्होंने रियल लाइफ में साल 2016 में विशाल मदलानी के साथ शादी की थी, जो कि एक बिजनेसमैन है जिनसे इनकी एक बेटी नैरा है। नंबर 11, पंकज, 1986 में जन्मे अजय नागरत टीवी की दुनिया के फेमस एक्टर रहे। वह बॉलीवुड एक्टर अनिल नागरत के बेटे हैं। इन्होंने 1998 में टीवी सीरियल फैमिली नंबर 1 में तूफान पोटिया का किरदार निभाया था और उस जमाने में घर घर में छा गए थे।
इसके बाद उन्हें सीआईडी में इंस्पेक्टर पंकज का रोल मिला, जिससे उन्हें खूब पॉपुलर हासिल हुई। बिलाल आए 37 ईयर्स के हो चुके हैं। इन्होंने अनीता नागरथ से शादी की और उनका एक छोटा सा बेटा भी है जिसका नाम वीर है। नंबर 10, निखिल सीआईडी में निखिल का किरदार निभाने वाले एक्टर का रियल लाइफ में नाम अभय शुक्ला है। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन उन्हें पहचाना आज भी सीआईडी के निखिल के रूप में ही जाता है। और अभी इनकी रियल लाइफ फैमिली में सिर्फ इनकी माँ है, क्योंकि यह फिलहाल अनमैरिड है। नंबर 9, डॉक्टर तारिका। सीआईडी में यूं तो एक से बढ़कर एक ब्रिलियंट अफसर थे, लेकिन उनका केस तभी सॉल्व होता था जब डॉक्टर तारिका उन्हें खास क्लू देती थी। ऊंचा लंबा कद, घुंघरा लेबाल और 10 की स्किन वाली तारिका को देखकर लोग ये यकीन करने लगे थे कि वो वाकई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जो क्राइम की गुत्थी सुलझा सकती है। डॉक्टर तारिका यानी कि सरदा मसले का नाम ज्यादातर सीआईडी के लिए ही याद किया जाता है। सीआईडी के अलावा कुछ फिल्मों और टीवी शोज में भी सरदा मसले नजर आई, लेकिन फिर अचानक पदे से गायब हो गई। इन्होंने साल 2012 में दीपक तोमर से शादी की, जो कि एक बिजनेसमैन है। श्रद्धा के पिता का नाम रवि मुसले है और इनका एक भाई है जो कि फिल्म डायरेक्टर है। नंबर 10, गौरव खन्ना, जो कि एक पॉपुलर टीवी एक्टर है। साल 1980 में जन्मे गौरव ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। इन्होंने अब तक कई टीवी सीरियल में काम किया, जिनमें से एक है सीआईडी, जिसमें वह सीनियर इंस्पेक्टर कविन का किरदार निभाते नजर आए थे। आपको बता दें कि ये रियल लाइफ में शादीशुदा है। इन्होंने 2016 में आकांक्षा चमोला के साथ शादी की थी। गौरव के पेरेंट्स की बात करें तो इनके पिता का नाम विनोद खन्ना और माँ का नाम साक्षी खन्ना है। नंबर 7, पूर्वी। दोस्तों, पूर्वी का रियल लाइफ में नाम अंशा सैयद है। इनका जन्म 1988 में मुंबई में हुआ। यह जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन इनका एक्टिंग में पहला ही ऑडिशन सक्सेसफुल रहा, इसलिए उन्होंने एक्टिंग की लाइन को चुन लिया। इन्होंने सीआईडी के अलावा कई टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन पहचान उन्हें पूर्वी के किरदार के रूप में ही मिली। और फिलहाल पूर्वी यानी कि अंशा सैयद रियल लाइफ में अनमैरिड है। नंबर 6, डॉक्टर शालुके। नरेंद्र गुप्ता ने सीआईडी में डॉक्टर शालुके का किरदार निभाया था। 1962 में जन्मे नरेंद्र गुप्ता यूं तो सीआईडी के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत 1989 में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल लाइफलाइन से हुई थी। इन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उनकी माँ चाहती थी कि वह डॉक्टर बने, लेकिन इनको कॉलेज में जाने के बाद थिएटर्स में दिलचस्पी हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टर शालुके यानी कि नरेंद्र गुप्ता रियल लाइफ में अब तक आने मेरी डे नंबर 5 सचिन, दोस्तों सीआईडी में सचिन का किरदार निभाने वाले एक्टर का रियल लाइफ में नाम आशिकेश पांडे है। इन्होंने सीआईडी के अलावा यह रिश्ता क्या कहलाता है, जग जननी माँ, वैष्णो देवी और आहट जैसे टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन इनकी पहचान आज भी सचिन के रूप में ही की जाती है। इनका जन्म 1774 में मुंबई में हुआ। इन्होंने साल 2004 में त्रिशा दुबा से शादी की थी, लेकिन कुछ साल बाद ही दोनों के बीच परेशानियां शुरू हो गईं। फिर साल 2014 से ही दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया और तलाक की अर्जी के 7 साल बाद 2021 में आशिकेश और त्रिशा का तलाक हो गया। इनका एक बेटा भी है, जिसके बारे में वह बताते हैं कि भले ही उन्हें बेटे दक्ष की कस्टडी मिल गई हो और वह अपनी माँ से मिलने के लिए एकदम फ्री है, वह जब चाहे अपनी माँ से मिल सकता है। नंबर 4, फेडिक। दोस्तों, फेडिक की भूमिका निभाकर फेमस होने वाले एक्टर दिनेश फंडनिस की 5 दिसंबर 2023 को डेथ हो गई। 57 साल के दिनेश को मल्टीपल ऑनर्गन फेलियर के कारण बचाया ना जा सका। फेडिक सीआईटी शो में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के पसंदीदा कलाकार रहे। इन्होंने सीआईडी में 1998 से लेकर 1918 तक काम किया और क्राइम जैसे शो में भी अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों में कभी ना भूलने वाली पहचान बनाई। इन्होंने सीआईडी के कई एपिसोड भी लिखे थे और एक्टिंग में आने से पहले ही दिनेश फंडनिस ने नैना फंडनिस से शादी कर ली थी। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम तनु है। वह अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते थे। नंबर 3, अभिजीत। सीरियल में अभिजीत का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले एक्टर का रियल लाइफ में नाम आदित्य श्रीवास्तव है।
इनका जन्म 1968 को प्रयागराज यूपी में हुआ। इन पर बचपन से ही एक्टिंग का बद सवार था, इसलिए अपने सपनों के लिए 1995 को माया नगरी मुंबई आ गए। यहां आने के बाद इन्होंने बतौर वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर कई टीवी सीरियल में काम किया और फिर 1999 में इनको सीआईडी में अभिजीत का किरदार मिला, जिसके बाद वह दुनिया के लिए आदित्य श्रीवास्तव नहीं बल्कि अभिजीत बन गए और इन्होंने सीआईडी के लिए आखिरी एपिसोड तक अभिजीत का किरदार निभाया। इनकी रियल लाइफ वाइफ मानस श्रीवास्तव साइकोलॉजिस्ट है, जिनसे इनके दो बच्चे आरसी और अद्विका हैं। सबके अलावा आदित्य श्रीवास्तव की फैमिली में इनके पेरेंट्स और एक भाई आशुतोष श्रीवास्तव भी है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है नंबर 2 एसीपी प्रद्युमन सीआईडी शो में। एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले एक्टर शिवाजी साटम का जन्म 1950 में महाराष्ट्र में हुआ। वो बैंक ऑफ इंडिया में केसीआर के तौर पर नौकरी किया करते थे, लेकिन उन्हें थिएटर से काफी लगाव था, इसलिए नौकरी के साथ ही वो थिएटर से भी जुड़ गए। और साल 1980, यह वो समय था जब टीवी सीरियल रिश्ते नाते से पहली बार उन्होंने अभिनय की में कदम रखा, जिसके बाद इन्होंने अपने करियर में कई टीवी सीरियल और फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई टीवी के धारावाहिक सीआईडी से, जिसके बाद इन्हें घर घर में सीपी प्रद्युमन के नाम से जाना जाने लगा। शिवाजी साटम ने अरेंज मैरिज की थी। इनकी वाइफ अरुणा साटम महाराष्ट्र की कबड्डी टीम की कप्तान भी रही। शिवाजी एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि उनका और उनकी पत्नी का साथ 24 साल तक रहा, जिसके बाद कैंसर ने उनकी पत्नी को उनसे छीन लिया। दरअसल इनकी वाइफ को कैंसर था, जिसका इलाज लगभग 7 साल तक चला, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। आपको बता दें कि शिवाजी रियल लाइफ में दो बच्चों के पिता हैं, जिनका नाम अनिरुद्ध और अभिजीत सैटम है। नंबर 1 पर बात करते हैं। दया की सीआईटी सीरियल में दया का किरदार निभाकर फेमस हुए एक्टर का असल जिंदगी में नाम दयानंद शेट्टी है। इनका जन्म 1969 को कर्नाटक में एक बिजनेसमैन फैमिली में हुआ। इनके पिता एक होटल व्यवसायी थे, जो अपने समय में स्पोर्ट्समैन भी रह चुके हैं। वहीं दया की माँ का नाम उषा सेठी है। दया ने अपने पेरेंट्स के साथ अपना बचपन बेंगलोर में बिताने के बाद जब इनके पिता ने अपना बिजनेस मुंबई में शुरू किया, तो वह भी अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। और 1998, यह वह समय था जब इन्होंने सीआईडी के लिए ऑडिशन दिया था, और वह सबसे पहले कलाकार थे जो सीआईडी में किसी किरदार के लिए सेलेक्ट हुए हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीआईडी के कई सारे एपिसोड दया ने लिखे हैं। वह फिलहाल अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहते हैं। इनकी वाइफ का नाम स्मिता शेट्टी है।